क्या बजा रहा है यार? गिटार और क्या? ए फुंतरू, गिटार ऊपर है नीचे नहीं? अरे 10 साल के बाद अपना दोस्त आ रहा है, दोस्त से मिलेंगे, मज्जा नहीं लाएंगे। दारू बटेगा, मुर्गा कटेगा, ढिंका चिंका। तुम्हें इनवाइट करो, शॉर्ट लोगों की वहाँ एंट्री बंद है। ए, हमें इनविटेशन की जरूरत नहीं, हम दुनिया में भी बिना बुलाए आए थे तो तेरी पिकनिक में भी आएंगे। और हाइट की बात मत कर, तू खंबा है तो क्या, हम क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर। ए भाई साहब, तो क्वार्टर देखकर अटक गए। अरे ज्यादा भाव मत खा, नंदिनी की कसम है तुझे। हाँ ठीक है, कपड़े ढंग से पहनना। ए प्रभा, कल निशा ने तुझे प्रपोज किया था क्या? किया था तो स्टोरी क्या है? तू क्या फिल्म बना रहा है? जो मैं तुझे स्टोरी बताऊं? देख, मैं नंदिनी को चाहता हूँ तो निशा को कैसे हाँ बोल सकता हूँ? हमारा पैंट बच गया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या कहा? सुसाइड? हाँ यार, वो अभी हॉस्पिटल में है, लगता है निकल लेगी। बाप रे, ये लड़की तो निशा। अबे तू कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल। तू वहाँ गया तो बात बिगड़ जाएगी, उसका बाप फिल्म का विलन है। ए, तेरी भलाई इसी में है कि तू कहीं खोपचे में चले जा। अरे मैं क्यों चला जाऊं? उसकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तू सामने जाएगा तो तेरी घंटी बजा देगा। हेलो प्रभास, मैं जरा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी और प्रसन्ना मार्केट गई है, उनकी शॉपिंग हो जाने के बाद उन्हें स्टेशन ले आना। ठीक है। ए सुन, कल वैसे भी हम वाइजाग जाने वाले थे ना, तो आज ही निकल जाते ना। हाँ बोल। ए, उस विलन ने तुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं, सबकी जमकर धुलाई हो रही है, मैं किसी तरह से बच गया। मैंने भी उनकी फिल्म बनाई है, मैं तुझे MMS करता हूँ, अपनी जान प्यारी है तो फिल्म जरूर देख लेना। अब रखता हूँ। बेटा थोड़ा फास्ट चले। हाँ ठीक है, बोलो स्टेशन पर वेटिंग। ओके। भैया कहाँ है? ये कैसा है? चीची बकवास। नहीं ले लूँ माँ। छोड़ो ना। ओके। हमें फॉलो करेंगे। मेरा पर्स फट गया है, जाकर नया ले ले। नहीं, स्टेशन रीचिंग देर होएगी। हाँ ठीक है। ओके। माय स्वीट सन, उस दुकान में कमिंग। हाँ। भाई भाई, चाहिए क्या? सॉरी बॉस। ये दुकान वाले भी ना कुछ ज्यादा ही भाव खाएं। इसका प्राइस क्या होएगा? क्या हुआ? मेरा बेटा। Me too.
उन लोगों को देखो कैसे सड़क पर झगड़ा करेंगे। वही ना, अपने फादर मदर की इज्जत मिट्टी में मिलाई। देखो तो, इनको तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। मेरा बेटा हट के होएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। कम ऑन इस साइड। क्या चाहिए अब प्यारी मम्मी से? मुझे किस चाहिए? कम सिट। ये छोड़ दो ना। ठीक है सर। हेलो, मैं निशा का बाप बोल रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ जा। अगर ना हो तो? तूने मेरे आदमियों को मारकर जिंदा छोड़ दिया। मैं ऐसी गलती नहीं करता। तेरे दोस्त अब मेरे कब्जे में हैं। मैंने सुना है तुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। अगर प्यार है तो आ जा। क्या भाई, खाली हुल मत दो, ठोक दो इनको। तेरा नाम क्या है? प्रभा। प्रभास्कर। देख प्रभा, मेरी बेटी पागल है। वो हर चीज अपने दिल में दबा के रखती है, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर उसने मुझे कहा होता कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा देता, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले हो। अगर उसे कुछ हो जाता तो तू जिंदा नहीं बचता। परसों तू मेरी बेटी से शादी करेगा, तैयार रहना। सर, सर, मेरे होने वाले समधी को बता सर, देना। मुझे शादी मंजूर नहीं। पर एक बार मेरी बात सुनिए सर। निशा बहुत लकी है कि उसको आप जैसा प्यार करने वाला पिता मिला है। वो खुश तभी रह पाएगी जब उसका होने वाला पति भी उससे उतना ही प्यार करेगा। प्यार और शादी हमेशा दो तरफा होते हैं सर। तेरा मतलब क्या है? मेरी बेटी तुझे पसंद क्यों नहीं? बोल, कमी क्या है उसमें? क्योंकि मेरा दिल अब मेरे पास नहीं है सर। पिछले साल मैं एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए स्विट्जरलैंड गया था। स्विस इंडिया एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स को मैंने बताया कि तू एआर रहमान का राइट और मनीष शर्मा का लेफ्ट हैंड है। 20 दिन में 20 लाख रुपए अंदर हो जाएंगे और साथ में स्विट्जरलैंड में ढिंग करेंगे। हमें 2 दिन में निकलना होगा। ये देख, मैं तुम लोग को ये फोटो उन लोग को मेल कर चुका हूँ। देख तू किधर खड़ा है, रहमान, मनीष शर्मा और देवी सिरी। सुन बे, कोई लफड़ा नहीं होगा ना? शट अप, तेरी आवाज अच्छी है, हमारी आवाज फटे बांस की तरह है। बस मेरा स्टाइल पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। क्या आप मिस्टर प्रभास हैं? या या। ओह वेलकम वेलकम, मैं हूँ थॉमस, स्विस इंडिया एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजर। हेलो सर। अच्छा हुआ आप सब आ गए, बाकी के सिंगर्स कहाँ हैं? तेरी, हम लोग सिंगर नहीं तो क्या सिंगर है? ये बीच में अपनी टांग क्यों डाल रहा है सर? इसकी बचपन से ही ऐसी आदत है। ऐसा क्या, इसकी भी यही आदत है? तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये सब इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया करो। बाय द वे, ये रेड्डी नहीं रहते पर इनका नाम है मिस्टर रेड्डी। आपने वो खाया खाना? अरे भुक्कड़, ये फ्लाइट से खा पी कर आए होंगे, इन्हें फ्रेश होने दो। आप लोगों में से ए आर रहमान का लेफ्ट हैंड कौन है? मैं हूं सर, मैं। रहमान अपना लंगोटिया है सर, ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। सही कहा था, खड़ा हो गया ना। रहमान ने बताया था कि बात बात में तू खड़ा हो जाता है। ओह, ऑस्कर वाला गाना। मैं तो कुछ और ही समझा। सुनिए अंकल, मुंह में लोगे? अबे खाने की बात चौड़ी की दुकान। बॉयज, प्रोग्राम शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी हैं, तब तक तुम ऐश कर लेते हैं सर। प्रैक्टिस करो। बहुत पैसे उधार लिए इस शो के लिए, अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ। आप हमें जानते नहीं हैं सर। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी एज में माइकल जैक्सन ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी, और आपकी उम्र में हिटलर ने सुसाइड कर लिया। पर ये आपसे नहीं होगा। बॉयज अंदर चलो। देर मत करो। Thank you.
प्रभास, ये तो इंडिया जैसा है यार। इंडिया? ये तो उससे भी बकवास है यार। अरे सुनो, जरा तेज चलाओ। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे चलाना। अरे वो निकल गई। लेफ्ट ले। मैं राइट जाना है सर। अब चलना। अंडरवेयर के बिना बाहर निकल सकते हो, पर पासपोर्ट के बिना टॉयलेट भी मत जाना, क्योंकि पुलिस ने अगर एक बार पकड़ लिया तो घुसेड़ देगा जेल में सड़ने के लिए। बाप रे बाप, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। स्टॉप मैन। अरे प्रभास, एक गई दूसरी आएगी। अबे चल लेफ्ट ले रहे। हमें राइट लेना है सर। चल तेरी भैंस की। Move fast. Sorry boss. Hey man, for sorry your bola na yaar. Hey, stop. Hey. My dear friends,